जादुई सोने का कुकर। किशोर धवलगढ़ में रहता था। कुछ वर्ष पहले ही उसके पिता का निधन हो गया था। ऐसे में परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी किशोर के कंधों पर आ चुकी थी। परिवार में उसकी पत्नी राधा, दो बच्चे पिंकी और राजू और उसकी बूढ़ी माँ बैरागी थी। बदलते मौसम के साथ सर्दियां शुरू हो चुकी थी। सांझ की बेला बीत चुकी थी। सर्द लहरों से लड़ता हुआ किशोर घर आता है। उसके हाथ पांव ठंड से ठिठुर रहे थे। माँ देखो, बाबूजी आ गए। अजी आप आ गए। माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। दवा खाने जाकर कुछ दवाई ले आइए। बिना दाम के कौन देगा मुझे दवाइयाँ? राधा कैसा बेबस बेटा हूँ मैं। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ बीमार बदहाल पड़ी है और मैं अभागा कुछ कर ही नहीं पा रहा। बीमारी के बिछौने पर पड़ी बूढ़ी बैरागी का चेहरा चरमरा चुका था। सेहत भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। जाड़े से बचाव के नाम पर जुगाड़ के लिए एक फटा पुराना कंबल बैरागी ने ओढ़ रखा था। बावजूद इसके ठंड कंबल के छेद से आर पार हो रही थी। ठंड से ठिठुरती हुई बैरागी अपने बेटे और बहू को बुलाती है। किशोर मेरे लाल, अपनी माँ के पास आ। किशोर अपनी माँ के करीब आकर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ माँ तुम्हें तकलीफ हो रही है, बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये बातें बेफिजूल है बेटा, तेरे बाबूजी मुझे बुला रहे हैं। मेरा दाना पानी आज तक ही था, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, इसलिए मेरी बात गौर से सुन। रसोई घर के सबसे ऊपरी दराज में एक कुकर है जो मेरे जाने के बाद तुम्हारे काम आएगा। जब भी तुम उस कुकर को चूल्हे पर चढ़ाकर ये मंत्र कहोगे, ए मेरे जादुई कुकर, कहता हूँ तुझे छूकर, प्रकट कर अपना जादू, मेरा मन पसंद खाना देकर, तो तुम्हारी मांग की पूर्ति हो जाएगी। जादुई कुकर का जिक्र करके बैरागी दुखदाई दुनिया से सदा के लिए आंखें मूंद लेती है। उस रात किशोर के घर में रोना पीटना लगा होता है। दो दिन गुजर जाते हैं। इस बीच किशोर और राधा जादुई कुकर की बात को बिसार देते हैं और पौ फटते ही किशोर ठंड के कड़कड़े कोहरे में भट्टी पर आता है। लगता है आज मैं ही भोर को भट्टी पर चला आया, तभी कोई जन दिखाई नहीं दे रहा। इस पर भट्टी का मालिक रतनलाल कहता है, किशोर तू क्या करने आया है? अब सर्दियां बीतने के बाद ही भट्टी पर काम दोबारा शुरू होगा, तुम्हें खबर नहीं मिली थी क्या? ठीक है रतनलाल जी, कोई और काम हो तो बताना। किशोर हताश होकर घर लौटता है। क्या हुआ जी, इतने भोर सवेरे घर क्यों लौट आए? रतनलाल ने जाड़े के कोहराम के कारण सर्दियां बीतने तक भट्टी का काम बंद कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है अब मैं अपने बच्चों की पेट की आग कैसे बुझाऊंगा। उस भट्टी की चार पैसे की कमाई से ही तो मैं अपने बाल बच्चों की और परिवार की भूख मिटाता था। चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलेंगे। उस रात किशोर का परिवार भूखा ही सो जाता है। सवेरे होते ही उसके मासूम बच्चे भूख से मचल कर बोलते हैं, माँ बाबूजी, मुझे और पिंकी को बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ कुछ रूखा सूखा ही खाने को दे दो। ये सुनकर दोनों दंपति डबडबाई आंखों से अपने बच्चों को देखने लगते हैं और किशोर कहता है, राधा तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं इनके पेट भरने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। किशोर माँ अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए जाला लेकर नदी की ओर निकल जाता है। भयंकर सर्दी के मारे नदी का पानी बर्फ बन चुका था। हे ईश्वर, नदी का पानी तो बर्फ में बदल गया है, ऐसे में मछली मिलना तो नामुमकिन है। जंगल जाकर देखता हूँ, एक आधा फल तो मिल ही जाएगा। किशोर की आंखों पर उसके नन्हे बच्चों की झलक नाच रही होती है। इस कारण वो ठंड से थरथराता हुआ जंगल आता है, जहाँ उसे पेड़ पर दो सेब दिखाई देते हैं। वो उन्हें तोड़कर घर की ओर अग्रसर हो जाता है। तभी बीच रास्ते पर उसे एक बेहोश बुढ़िया दिखाई देती है। अरे काकी क्या हुआ तुम्हें? किशोर के झकझोरने से वो बुढ़िया झुझलाहट के साथ बेहोशी से बाहर आती है। काकी तुम बेहोश कैसे हो गई थी? हफ्तों की भूखी भिखारन हूँ बेटा, सर्दियों के कारण मंदिर में एक भी श्रद्धालु नहीं आ रहे, इसीलिए भिखारी की दशा तो दुबली होगी ही। अचानक किशोर को उस बुढ़िया के भीतर अपनी माँ की छवि उभरती दिखाई देती है और किशोर ये याद करने लगता है कि कैसे उसकी माँ ने दवाइयों और दाना पानी के अभाव में दम तोड़ा था। ये लो काकी, ये फल तुम रख लो।
किशोर खाली हाथ ही घर लौट जाता है और राधा को सारा वृतांत बताता है। तभी उसे उसकी माँ की कही गई जादुई कुकर की बात याद आती है और वो झट से उस कुकर को बाहर निकालता है और राधा उस कुकर को चूल्हे पर चढ़ा देती है और किशोर जादुई कुकर का मंत्र जपता है। ए मेरे जादुई कुकर, कहता हूँ तुझे छूकर, प्रकट कर अपना जादू, मेरा मन पसंद खाना देकर मुझे इसी पल दाल मखनी दे दो। कुछ देर बाद, मुझे नहीं लगता कि इस जादुई कुकर का मंत्र काम करेगा। अरे राधा धीरज धरो, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। अचानक वो जादुई कुकर सोने के रंग में चमकने लगता है और कुकर के सीटी से निकल रही खुशबू पूरे घर में समा जाती है। फिर जैसे ही किशोर कुकर को खोलता है तो कुकर दाल मखनी से लबालब भरा देखकर वो दंग रह जाता है। देखो माँ बाबूजी, ये तो सचमुच में जादुई कुकर है। हाँ माँ, अब जल्दी से ये दाल मखनी हमें खाने को दो ना। अरे सिर्फ सूखे सूखे दाल मखनी क्यों? राधा उस दाल मखनी को दूसरे बर्तन में उड़ेल कर कहती है, ए मेरे जादुई कुकर, कहती हूँ तुझे छूकर, प्रकट कर अपना जादू, मेरा मन पसंद खाना देकर मुझे चावल चाहिए। फिर जादुई कुकर सोने में बदल कर खिले हुए चावल से भर जाता है, जिसे देख कर वो फूले नहीं समाते और सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह माँ, ये दाल मखनी तो बहुत दमदार है और ये चावल भी मोतियों की तरह चमक रहे हैं। राधा, इस जादुई कुकर के बदौलत हमारे बच्चों ने पहली दफा अच्छा खाना खाया है। जादुई कुकर के कारण किशोर के घर में चूल्हा उस रोज के बाद कभी उदास नहीं पड़ा। जादुई सोने के कुकर के बदौलत राधा और किशोर के बच्चों के खाने की सभी फरमाइश फौरन पूरी हो जाती है। माँ, आज हमें खीर पूरी खाने का बहुत मन है, क्या आप जादुई कुकर से खीर पूरी बनवा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, अभी मैं जादुई कुकर से खीर पूरी बनवा कर लाती हूँ। जिसके बाद राधा जादुई कुकर से खीर और पूरी बनाती है, जिसकी खुशबू आस पड़ोस के सभी घरों में जाती है और उसके घर के बाजू में रहने वाले बबन और जमुआ खीर पूरी की खुशबू सूंघकर बातें करते हुए कहते हैं, वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे बबन, इस ससुरा किशोर हलवाई का काम शुरू कर लिया है काबे। जब देखो रात बिरात इका घर में पकवानों की महक आवत रहत है। अरे जमुआ, जरूर दाल में कुछ काला है। अरे कल तक तो इनके घर में दाने दाने को लाले पड़े रहते थे। पता लगाना पड़ेगा इन नग्गू तेली के घर के राज भोग का राज क्या है भाई। देर रात दोनों दोस्त दबे पांव उनके खिड़की पर आकर खड़े हो जाते हैं और जादुई कुकर के राज से परिचित हो जाते हैं और फिर उनके सोने की बाट जोहने लगते हैं, जिसके बाद वो उस कुकर को चुरा कर अपने घर ले आकर चूल्हे की आंच पर रख कर वही मंत्र दोहराते हैं। अरे ओ जादुई कुकर, चल जल्दी से हमें चखना, मतलब बना हुआ मजेदार मसालेदार मुर्गा दे दे। अरे भाग बुर्बक, अरे ऐसे नहीं कहना है। ए मेरे जादुई कुकर, कहता हूँ तुझे छूकर, प्रकट कर अपना जादू, मेरा मन पसंद खाना देकर जल्दी से मुझे मुर्गा मिल जाए। ऐसा कहकर जैसे ही बबन उस कुकर को छूता है, उसे जोरदार झटका लगता है, जिसके साथ ही कुकर काला होकर जोरों शोरों से सीटी लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर राधा और किशोर उठकर बोलते हैं, अरे राधा, ये तो हमारे जादुई सोने के कुकर की सीटी की आवाज है। तुमने क्या कुकर चूल्हे पर चढ़ाया है? नहीं जी, मैंने जादुई कुकर चूल्हे पर नहीं चढ़ाया है, ये तो अपने पड़ोस बबन और जमुआ के घर से आवाज आ रही है। कहीं वो लोग हमारे कुकर को चुरा कर तो नहीं ले गए? चलो चलकर देखते हैं। किशोर और राधा जब बबन और जमुआ के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका जादुई सोने का कुकर पूरा काला हो चुका है और जादुई कुकर की ऐसी हालत देखकर राधा बोलती है, बबन जमुआ, तुमने हमारा जादुई कुकर चुराया? अरे जादुई कुकर नहीं बल्कि जानलेवा कुकर है। ये ससुरा 440 वोल्ट का झटका दिया है मुझे। दूसरे के चीज को चुराने का यही अंजाम होता है। ये जादुई कुकर स्वार्थ साधने के लिए नहीं बल्कि भूखों का भूख मिटाने के लिए है। बबन और जमुआ को जादुई कुकर उनके किए की सजा देता है, जिसके बाद राधा और किशोर जादुई कुकर को अपने घर लेकर आते हैं और कुकर पहले के समान हो जाता है, जिससे वो दोनों दंपति गरीब और भूखे लोगों की भूख मिटाया करते हैं। गरीब के जादुई सोने के टमाटर। शाम के वक्त सुरेंद्र अपने खेतों से मेहनत करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। जैसे वो घर पहुंचता है, वो अपने मुंह हाथ धोकर अपनी पत्नी शांता से कहता है, अरे शांता, शांता कहाँ हो तुम?
अरे जल्दी से यहाँ पर आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो मुझे। शांता मायूसी के साथ आती है, जिसके बाद वो अपने पति सुरेंद्र से कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, दरअसल घर का सारा राशन खत्म हो गया है, अब बस ये थोड़े से चावल रखे थे तो इन्हें मैंने बना दिया। अब क्या बताऊँ शांता, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। टमाटर की खेती करता तो जा रहा हूँ, इतना कर्जा लेकर मैंने टमाटर की खेती की तो है, लेकिन अगर खेती सही से नहीं हुई तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग। अजी आप ऐसी बातें क्यों करते हो, खेती बाड़ी अच्छे से चलेगी और हमारे टमाटर बहुत अच्छे से बिकेंगे, आप बस अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दो। शांता तुम बहुत अच्छी हो, हर मुसीबत में मेरा साथ देती हो, फिर चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। अजी मेरी तारीफ करना छोड़िए और खाने पर ध्यान दीजिए, थोड़ी सी चावल है, दोनों मिलकर खा लेते हैं। शांता अपने पति सुरेंद्र के साथ चावल खाकर और एक गिलास पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुरेंद्र खेतों पर खेती बाड़ी करने के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद वो पूरे दिन खेती बाड़ी करके खूब मेहनत करता है। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इस बार टमाटर की फसल अच्छी हो गई तो सबसे पहले अपने घर का राशन डलवाऊंगा। कुछ दिनों में सुरेंद्र की खेती पूरी तरह होने ही वाली थी। एक दो दिन मेहनत करने के बाद सुरेंद्र एक दिन रात के समय अपनी पत्नी शांता से कहता है, अरे शांता चिंता मत करो, अब की बार फसल जो उगेगी हम उसमें पूरे घर का राशन अच्छे से डलवा देंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात का डर है, हमारे गाँव में एक हरिया नाम के किसान के खेत में बहुत बुरी तरह कीड़े लग गए, जिसकी वजह से उसकी सारी खेती खराब हो गई और सभी टमाटरों में कीड़े लग गए। अरे तुम इतना मत सोचो, हमने अपनी फसल पर पूरा पूरा ध्यान दिया है, हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र और शांता दोनों खाना खा पी कर सो जाते हैं। अगले ही दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुरेंद्र अपने खेतों में पहुंचता है, लेकिन अपने खेतों की हालत देख कर वो बहुत अचंभित रह जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, अरे मैंने इस खेती के ऊपर इतना कर्जा उठाया था ताकि मैं इस साल कुछ कमा पाऊँ, लेकिन मेरी पूरी टमाटर की खेती में तो कीड़े लग गए, अरे अब मैं क्या करूँ। बेचारा सुरेंद्र अपने खेतों में से बचे हुए टमाटर निकाल लेता है, जिससे उसकी एक टोकरी तो भर जाती है। सुरेंद्र उन टमाटर को वापस घर ले जाता है और घर ले जाकर अपने खेतों की हालत को बताता है। अजी मैंने तो कहा ही था, आपने ही मेरी बात नहीं सुनी, अब हम कैसे करेंगे भला इतने से टमाटर में हमारा गुजारा, कैसे होगा ये, और अभी मुनीम जी का कर्जा भी तो देना है। तभी उनके घर मुनीम भी आ जाता है और कहता है, अरे भाई खेती बाड़ी हो गई है, हमारा कर्जा देना ही भूल गया है क्या, चल अब जल्दी से मेरे 2 लाख रुपए निकाल। देखो मुनीम जी, इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जल्दी तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। सुरेंद्र किसी तरह मुनीम को मना लेता है और उसे उसके घर भेज देता है, जिसके बाद बेचारा सुरेंद्र बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन वो उन टमाटरों को गांव में बेचने के लिए निकल जाता है। उसके टमाटर गांव में कोई भी नहीं खरीदता, जिसकी वजह से शाम को वो मायूस होकर वापस घर लौटने लगता है। सुरेंद्र रास्ते में चल रहा होता है, तभी उसे एक आवाज आती है, अरे बेटा मेरी मदद करो, मैं कुछ दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। आवाज सुनने के बाद सुरेंद्र की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो भूखी प्यासी सड़क के किनारे पड़ी होती है। अरे माँ जी ये लो, मेरे पास तो बस ये टमाटर ही हैं, इन्हें खाकर अगर आपको थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है तो कर लो, वैसे भी मेरे टमाटर किसी ने भी नहीं खरीदे। सुरेंद्र बूढ़ी औरत को टमाटर देता है, जिसके बदले वो बूढ़ी औरत उसे 3 दाने देती है। आज की रात इन दानों को अपने खेत में जाकर बो देना, उसके बाद तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बूढ़ी औरत की बात मानकर सुरेंद्र उन दानों को अपने खेत में जाकर बो देता है, जिसके बाद वो अपने घर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, जब सुरेंद्र अपने खेतों में आता है तो उसे उसके खेतों में सोने के टमाटर दिखाई पड़ते हैं। अरे ये क्या,
इतने सारे सोने के टमाटर और वो भी मेरे खेतों में, अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। तभी वहां शांता भी पहुंच जाती है और इतने सारे सोने के टमाटर को देखकर हैरान होकर रह जाती है। अजी ये सब मैं क्या देख रही हूँ, कहीं हम किसी और के खेत में तो नहीं आ गई? नहीं नहीं शांता, ये हमारा ही है और देखो हमारे खेत में सोने के टमाटर हो गए हैं। अब हमारे सारे बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन वापस लौट आए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सुरेंद्र शांता को बूढ़ी औरत के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद शांता बहुत खुश होती है। वो दोनों मिलकर अपने खेत के सोने के टमाटर को सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाता है। सबसे पहले सुरेंद्र अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदता है और अपने घर में खाने पीने का पूरा राशन डलवा देता है। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास इतने सारे सोने के टमाटर हैं कि हमें अब किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। ये बात तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे खेत में सोने के टमाटर हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ उन टमाटर से कुछ गरीब लोगों की मदद भी कर देती हैं। हाँ हाँ शांता, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो मेरे साथ खेतों के सोने के टमाटर लेकर आते हैं। जैसे ही सुरेंद्र और शांता खेतों से सोने के टमाटर लेकर आते हैं, उनमें से एक टमाटर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर के बीज धरती पर निकल आते हैं और उन सोने के टमाटरों के बीज से फिर से सोने के टमाटर उगते हैं। ये सब देखकर सुरेंद्र शांता से कहता है, अरे ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है, देख रही हो आज के बाद हमें कभी भी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सोने के टमाटर होने के साथ साथ जादुई टमाटर भी हैं। हाँ हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये जादुई सोने के टमाटर हैं। उस दिन के बाद से शांता और सुरेंद्र दोनों मिलकर सोने के जादुई टमाटरों की मदद से बहुत अमीर बन जाते हैं और गरीब लोगों की भी सहायता करते हैं, जिसके बाद वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।